इरविन गोफमैन का नाटक करते था सिद्धांत। देखो अपने आप दैनिक जीवन में हम नाटक शब्द को कई बार सुनते हैं, नाटक का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हो, उनके लिए भी नाटक करते हैं हम, और जो हम कहते हैं नुक्कड़ नाटक हो गए, जो लोग छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक के लिए करते हैं, या हम कहते हैं देखो कि आज नाटक वगैरह से ज्यादा नहीं है। तो अगर हम इरविन गोफमैन की बात करते हैं तो इरविन गोफमैन के जो जन्म है, इरविन गोफमैन का जन्म 11 जून 1922 को कनाडा में हुआ था। इरविन गोफमैन का जन्म 11 जून 1922 को कनाडा में हुआ था। आपने अपने प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद इसके संबंध में विस्तार से विचार किए। देखो प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड इनकी बात करते हैं, उसके संबंध में जो इरविन गोफमैन की विचारधारा है, उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, उन्होंने एक किताब लिखी थी द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, जो कि 1959 में प्रकाशित हुई थी, उसमें आपने अपने पूरे सिद्धांत को विस्तार से समझाया। देखिए जिस जो मैंने अभी अभी आपसे पूछा नाटक कार्यता का सिद्धांत, कि ये नाटक कार्यता का सिद्धांत क्यों कहा गया है, इन्होंने इस चीज को कैसे बताया, कहीं ना कहीं हम लोगों के प्रतीकों को और उनके इंटरेक्शन से सीखते हैं। देखो प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद क्या है, प्रतीकों के माध्यम से सीखना, अंतर्क्रिया के माध्यम से इंटरेक्शन जिसे कहते हैं इसमें, उससे सीखना, इसको प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद कहा गया है। इरविन गोफमैन का नाम हम सुनते हैं प्रतीकात्मक अंतर्क्रिया के बारे में, उनके सिद्धांत को नाटक कार्यता का या अभिनय कला का सिद्धांत भी कहा गया है। देखिए एक आई शब्द होता है ना, आई शब्द हम यूज करते हैं मैं के लिए, आई मैं, और मी का मतलब होता है मेरा, आई मी यानी मेरा। तो इरविन गोफमैन क्या कहते हैं, जैसे अगर आप रामायण को ये जो होती है ना दशहरे पे रामलीला, उसमें आप देखते हैं विभिन्न किरदारों को अभिनय करते हुए स्टेज पर देखते हैं ना, इसी तरह आप धारावाहिक देखते हैं, इसी तरीके से आप फिल्म देखते हैं, और दैनिक जीवन की अगर हम बात करें, दैनिक जीवन में भी हम रूबरू होते हैं, ये कहना है इरविन गोफमैन का, वो मैं समझाऊंगी तुम्हें कैसे। जब उन्होंने अपनी किताब लिखी द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, उन्होंने प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बोला, सबसे पहले बोला गोफमैन ने अपने जो सिद्धांत दिए, अभिनय कला संबंधी विचार, अभिनय कला संबंधी विचार क्या थे, देखिए उसमें उन्होंने दो टर्म यूज किए हैं, मंच और मंच के पीछे की पृष्ठभूमि। तुमने जब मंचों पे नाटक, इवन तुम तो पार्टिसिपेट भी कर चुके हो नाटक में, जब तुम मंच पे अभिनय करते हो तो उसके लिए क्या करते हो, मंच पर अभिनय करते हैं तो क्या करते हैं आप लोग अभिनय करते समय, बोलो। जब तुम स्टेज के पीछे होते हो तो तुम्हारा रोल क्या होता है, तुम अपने अपने कपड़े कॉस्ट्यूम पहन लेते हो, ठीक है, फिर हंसी मजाक चलता है कि चलो अब हमारी बारी आने वाली है, फिर चलो चलो से जाने से पहले कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, मंच के पीछे आप कुछ और होते हैं, लेकिन जैसे ही मंच पे आते हैं आप उस किरदार के अंदर बिल्कुल घुस जाते हैं, उस किरदार का अभिनय करते हैं, जबकि आप वो नहीं है। ध्यान से समझना, इरविन गोफमैन क्या कहते हैं, आप जब मंच पे नाटक को प्ले करते हैं या आप किसी अभिनेता की भूमिका अदा कर रहे हैं, तो जैसे दूसरे का जूता होता है ना, उसमें पैर डालना, दूसरे सेम अभिनय को उन्होंने इसी तरह परिभाषित किया कि जिस तरह दूसरे के जूते में पैर डाला जाता है, इसी तरह अभिनेता जो होता है जब अभिनय करता है वो दूसरे के किरदारों को पहन लेता है, फिर उसके अनुरूप एक्ट करता है, अपने आप को दिखाता है। हाल ही में जब अनुराग ने
नाटक किया था यहाँ पे स्टेज पे, या तुम्हारा जो महिला दिवस पे नाटक हुआ था, तुमने अभिनय को निभाया अपने अपने, किस रोल को किया? तुम तो वो नहीं थे, लेकिन तुमने उस रोल को अदा किया। ये तो कहते हैं मंच, और मंच के पीछे की पृष्ठभूमि क्या होती है? सब अपने अपने हंसी मजाक में लगे हैं, कपड़े ढूंढ रहे हैं, किसी को बाल लगाने हैं, किसी को अपने कपड़ों को फटा हुआ बनाना है, भिखारी का रोल बना हुआ है, तो वो क्या करेगा, फटाफट कपड़े। मैं देख रही थी इस बार के नाटक में ही कि अंकित जो है अपने कपड़े को पजामे को धूल में कर रहा था। मैं कहा बेटा ये क्या कर रहा है, गंदा हो जाएगा। मैडम मैं जो एक्ट कर रहा हूँ वो एक भिखारी की भूमिका कर रहा हूँ, तो उसके लिए गंदा कपड़ा ही चाहिए। तो कहने का मतलब आप मंच पर कुछ और होते हैं और मंच के पीछे कुछ और होते हैं। देखिए उनको उन्होंने सिर्फ इसी तरह से नहीं समझाया, उनको उन्होंने कहा है कि दैनिक जीवन में भी हम एक्टिंग करते हैं। ये तो मंच की बात हो गई और मंच के पीछे की बात हो गई। आप एर्विन गॉफमैन कहते हैं जब आपके घर मेहमान आते हैं तो आप कैसे प्रिटेंड करते हैं, कैसे नाटक करते हैं? आइए आइए बैठिए बैठिए, चाय पियेंगे आप? अच्छा चाय पियेंगे या कॉफी लेंगे? ठीक है आप अभिनय करते हैं। फिर एक माता आंटी को जगह बेटा वो गाना गाकर सुनाना, अपनी अच्छाइयां दिखाएंगे। आप में से कोई ऐसा है जिसके घर में मेहमान आता है और आप अपनी बुराइयों को दिखाएं? नहीं होता है ऐसा? नहीं। फिर आप जब घर से बाहर निकलते हैं आप तब भी नाटक करते हैं बहुत अच्छे होने का, ठीक है, क्लासरूम में द बेस्ट स्टूडेंट होने का, जबकि आप इतने शैतान हैं, आपके अंदर इतनी ज्यादा शैतानियां भरी हुई है, फिर भी आप एक्ट करते हैं। जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, जब उसे समझ में आ जाता है, ठीक है, घर में मेहमान आए और मम्मी ने कहा था मेहमानों के सामने ना तो नाश्ते को खाना, ध्यान से समझिएगा, मैं कुछ ही उदाहरणों से एक साइकोलॉजिकल वे में आपको समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ। जब घर में मेहमान आते हैं बच्चों को पहले सिखाया जाता है कुछ उठा के मत खाना जब तक हम ना बोले, फिर पोयम सुना देना, गाना सुना देना, ठीक है, फिर क्या करना, आंटी को नमस्ते करना, पैर छूना, जबकि बच्चा ऐसा नहीं करता दैनिक जीवन में, लेकिन उससे अभिनय करने की अपेक्षा माता पिता द्वारा की जाती है। ये अभिनय तो हुआ, नाटक ही तो हुआ, बच्चा नाटक ही तो कर रहा है, वो अपने मन से तो नहीं कर रहा है, उससे करवाया जा रहा है। इसी तरीके से हम अपनी दैनिक जीवन में देखिए, जब एक लड़की वाले को लड़के वाले देखने आते हैं, मैं कई रील्स में भी देखती हूँ, पल्लू ढक के चाय और समोसे की प्लेट लेके ऐसे इस तरीके से, और कहीं ना कहीं जब लड़के वाले लड़की वाले को देखने आते हैं तो लड़कियां इसी तरह अपने आप को व्यवहारिक दिखाने की कोशिश करती है। वो बोला जाता है खाना आता है बहुत अच्छा, फिर माँ कहेगी मेरी लड़की को तो इतना अच्छा खाना बनाना आता है चाहे उसको कुछ ना आता, ठीक है, फिर आपको क्या आता है कि तो डांस भी करती है गाना भी गाती है, बेटा गाती दिखाओ, आज इसका गला खराब है गाती बहुत अच्छा है लेकिन आज इसका गला खराब है ना, ज्यादा गा नहीं पाई। कहने का मतलब अगर हम इर्विन गॉफमैन की थ्योरी को अपने डे टू डे की लाइफ में देखें तो हमें लगता है शायद बिल्कुल सही थ्योरी है। जो उन्होंने प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद की बात करी, उन्होंने कहा है कि गॉफमैन ने कहा है कि अभिनय कला संबंधी जो विचार दिए उन्होंने एक दो शब्दों की बात की है, मंच और मंच के पीछे की पृष्ठभूमि। मैंने तुम्हें बताया जिस प्रकार एक नाटक का मंचन होता है स्टेज पर, तो अभिनय जो जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं जितने भी कलाकार होते हैं मंच के ऊपर जो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं एकदम अलग होते हैं, अपने अपने किरदारों में बिल्कुल रंगे हुए होते हैं और उसी तरीके से वो एक्ट करते हैं। लेकिन यदि हम मंच के पीछे की बात करें तो वही किरदार बिल्कुल अलग होते हैं, हंसी मजाक, ठीक है, और बात करना। फिर उन्होंने कुछ शब्दावलियों का प्रयोग किया, यूजीसी नेट की अगर मैं एग्जाम की बात करें तो कुछ कठिन शब्दावलियां आती हैं, लेकिन मैं बच्चों को मैं हमेशा यही सिखाती हूँ कि यदि आप इन शब्दावलियों को पहचान जाएं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। इर्विन गॉफमैन बात करता है लाइट कैमरा एक्शन, होता है ना जैसे जब कोई फिल्म बनती है
लाइट कैमरा बिल्कुल सेट हो गया, फिर एक्शन, यानी एक्शन का मतलब क्या होता है, तुरंत हमें रोल प्ले करना है एक्शन। तो ये शब्दावलियां भी इरविन गॉफमैन ने इस्तेमाल की है। उन्होंने बोला है जिस प्रकार लाइट कैमरा एक्शन, एक्शन का मतलब होता है तुरंत हमें किरदार के लिए तैयार हो जाना और अभिनय करना शुरू कर देना। और ये हम डे टू डे लाइफ में भी करते हैं, जैसे घर में घंटी बजी तुरंत सब लोग चलो ठीक करो, चप्पल हटाओ यहां से, सोफे को सलवट ठीक कर दो, ठीक है, सब लोग ऐसा हो जाता है जैसे लाइट कैमरा एक्शन। बिल्कुल, मेहमान आते हैं सब नमस्ते करते हैं, आइए आइए बैठिए बैठिए, जितना अच्छा अभिनय करने की कोशिश कर सकते हैं हम उससे भी अच्छा अभिनय करते हैं। फिर जब हम शादी विवाह उत्सव पर जाते हैं तो जितने अच्छे अभिनय कर सकते हैं उससे भी ज्यादा अच्छा अभिनय हम करते हैं। असली बोल कब खुलती है, लाइन लगी है रसगुल्ले फिर भैया जरा आगे हटो रसगुल्ला, आंटी जरा पीछे हटो रसगुल्ला लेना है। तो ये क्या होता है, सच्ची में हम अभिनय करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारी बोल भी खुल जाती है, क्योंकि वो अभिनय कहीं ना कहीं सही जो होता है, किसी ना किसी सादे करेक्टर में हम आ ही जाते हैं। ऑटो में हम गए, सड़क पे परिवहन में हम यात्रा कर रहे हैं, वही ऑटो वाले ने तुमसे लाओ बहन जी 20 रुपए दो, अरे 20 रुपए कैसे, 10 रुपए हुए, तू नया है भैया, फिर तुमने जो उसे अभिनय दिखाया तो असले अवतार में प्रकट हो गए अपने, आज के बाद दिख मत जाना यहाँ पर। कहने का मतलब जब हम अभिनय कर रहे होते हैं हम उस किरदार में इतने रंग जाते हैं कि हमें भी नहीं पता चलता। तो इरविन गॉफमैन क्या कहते हैं कि जो हमारी अभिनय कला जो होती है, अभिनय कला, उन्होंने इसको कला का आर्ट का, क्योंकि वास्तव में ये एक आर्ट है और इसमें उन्होंने बहुत सारे किरदारों की बात की, अभिनेता अभिनेत्री की बात की, लाइट कैमरा एक्शन इनकी बात की, फ्रंट स्टेज, देखो ये जो मैंने हिंदी में बताया, कई बार यूजीसी नेट में फ्रंट स्टेज बैक स्टेज आर्ट कैमरा इसकी बात को हम करता है, तो समझ जाना इरविन गॉफमैन करता है, कुछ भी कठिन नहीं है। तुम थ्योरी समझो, उनके पीछे की विचारों को समझो तो कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, बस हमें समझने की देरी होती है, ठीक है। अब आता है गॉफमैन के अंतक्रिया संबंधी विचार। अभी मैंने तुम्हें बताया ना कि जब इवन रामलीला, रामलीला तुमने देखा होगा हर वर्ष दशहरे के आसपास रामलीला होती है, रामलीला में क्या होता है, क्या होता है रामलीला में, भगवान राम के पूरे जीवन के बारे में कि उनको कैसे वनवास हुआ, उन्होंने किन किन यातनाओं और उनको समस्याओं को झेला, सीता का रावण ने हरण कैसे किया और वो लोग अयोध्या वापस कैसे आए, इस पूरा जो मंचन होता है रामलीला के माध्यम से चंद दिनों में स्टेज के ऊपर होता है। फिर जिस जिस को जो जो करेक्टर वितरित किया जाता है, हनुमान का, लक्ष्मण का, राम का, सीता का, वो अपने करेक्टर में रम जाते हैं और अपने अपने करेक्टर के अनुरूप अभिनय को करते हैं। लेकिन इरविन गॉफमैन कहते हैं मंच और मंच के पीछे के साथ साथ आई, आई बोलते हैं मैं, मी बोलते हैं मेरा, फिर आई, मैं, इन शब्दों का प्रयोग किया है जब वो अंतक्रिया संबंधी अपने विचार बताते हैं। जब हम मंच के पीछे होते हैं, स्टेज के पीछे, तो हम आई होते हैं, मैं होते हैं। जब हम मंच पे परफॉर्म कर रहे होते हैं तब हम मी होते हैं, यानी मेरा, और वापस जैसे ही किरदार खत्म हुआ हमारा मी मेरा से आई में तब्दील हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, मैं और मेरा में अंतर होता है, मैं मतलब जो मैं हूं, ठीक है, आई, मेरा, मेरा किरदार, मेरा अभिनय, मेरी कॉस्ट्यूम, मेरा ड्रेस, मेरा मेकअप और मेरा स्टेज, मेरा किरदार, मेरा अभिनय कैसा रहा, मैंने कैसे किया, वो सब मेरा होता है। ध्यान से समझिएगा, अंतक्रियात्मक प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद जो है वो कैसे आई मी में और मी आई में तब्दील होता है। आई है मंच के पीछे की इस अवस्था, मंच में आने से पहले आई, मैं जो होती है सिंपल मैं,
ये तो बैक स्टेज हुआ आई, आई जो हुआ वो क्या हुआ बैक स्टेज, मी हुआ फ्रंट स्टेज जो मंच के ऊपर है, जो हम अभिनय कर रहे हैं, अभिनय करने की चेष्टा कर रहे हैं, तब हमारा आई किसमें बदल जाता है मी में। जैसे अभिनय खत्म होता है तो वापस हम किसमें चले जाते हैं मैं। तो ये इरविन गॉफमैन का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत है, या तो वो बोलेंगे इरविन गॉफमैन का नाटककार्यता का सिद्धांत बताइए तो भी यही आएगा, इरविन गॉफमैन का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के सिद्धांत को बताइए तो भी यही आएगा। इसमें आप ध्यान रखिएगा, उनकी एक जो किताब है बहुत महत्वपूर्ण है, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, जो उन्होंने 1959 में लिखी थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिखिए। बहुत सिंपल सी थ्योरी है।